दोस्तों यहाँ पे ये जी हैंडल्स हैं, जी हैंडल्स हमारे लगाए जा रहे हैं इनमें। और जी हैंडल्स लगाने के बाद अभी हमारे पास बहुत सारा काम है, ये देखिए प्लाईबोर्ड अभी रखा हुआ है, तो आगे हम आपको लेके चलेंगे, यहाँ पे काम होना है। दोस्तों ये अलमारी बनेगी इसमें, तो अभी जो अलमारी है ये भी तैयार करनी है। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में, साथ ही हम लाए आपके लिए एक और नई वीडियो। तो आज मेरी जो साइड पे काम चल रहा है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, मेरी साइड पे क्या क्या काम चल रहा है और मैं क्या क्या काम कर यहाँ पे कर रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्किप करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, लाइक कर देना इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। तो मैं आपको दिखाता हूँ मेरी साइड पे क्या क्या काम चल रहा है। दोस्तों ये किचन के पल्ले तैयार हो रहे हैं, अभी वुडन कलर की माइका लगी है, जी हैंडल के हमने छेद कर दिए हैं और ये जी हैंडल भी लगा दिए हैं। इसके अलावा आपको दिखाते हैं, ये देखिए ये पोर्शन है दोस्तों, ये पहले बहुत बुरी कंडीशन में था, इससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। तो ये देखिए, तो गाइस यहाँ पे एक कोई कारपेंटर आया था, यहाँ पे एक कारपेंटर भाई आया था और उसने ये जो ऊपर का पोर्शन है तैयार किया है। तो ये थोड़ी थोड़ी नहीं है, बहुत बड़ी कमी है कि हमारे ये पल्ले भी देखिए आप इस तरह से लग रहे हैं। ये लकड़ी में बना के गया है ये बंदा, इसमें माइका वाइका कुछ नहीं है, क्योंकि आजकल तो हम लोग तो बनाते भी नहीं है ऐसा। और ये देखिए इसमें माइका भी नहीं है, और इधर भी आप देख रहे हैं इधर कुछ भी नहीं लगाया इस बंदे ने, वो लकड़ी ही डायरेक्टली लगा के चला गया है। तो ये देखिए इस तरीके से जब लगाते हैं तो ये देखिए कितना अड़ रहा है, देखिए ये बहुत दिक्कत दे रहा है। तो ये किसी भाई ने बनाई थी और ये अभी बनाई है, वैसे बता दूँ उसको भी यहाँ से, ये देखिए कहीं देखिए इतना ज़्यादा गैप हो रहा है, कहीं बहुत कम है, तो ये देखिए बिल्कुल जीरो है। तो दोस्तों ये जो कमियाँ है ना दोस्तों, अच्छा अक्सर करके क्या होता है कि हम लोग कारपेंटर, हमारे जो कस्टमर्स होते हैं कारपेंटर ले लेते हैं और कस्टमर को जानकारी रहती नहीं है, लेकिन कारपेंटर को भी बताना चाहिए कि भाई ऐसा काम हम कर सकते हैं या वैसा काम नहीं हो सकता है। इसके अलावा कस्टमर की क्या कमी रहती है कि वो जो सस्ते के चक्कर में ये सब हो जाता है, देखिए ये सस्ता कारीगर मिल जाता तो ये समझते हैं कि सस्ता कारीगर कोई दिक्कत नहीं तो करा लेते हैं, लेकिन ये देखिए ऐसा काम हम तो कभी नहीं करते, बहुत बेकार काम। इसके बाद हमें यहाँ जो है बुला लिया गया है और हमसे ये शुरुआत कराई है यहाँ पे। तो दोस्तों हम जो काम कर रहे हैं वो देखिए ये पोर्शन है, ये दोस्तों खाली पड़ा हुआ था, मैंने इसमें बॉक्स बनाया है और बॉक्स बना के इसको पूरा पेल्डिंग किया, क्योंकि ये जो आप इतना मोटा देख रहे हैं ना, ये यहाँ दोस्तों ये सामने में दिखा पा रहा हूँ आपको, स्लैब डली हुई है, ये 2.5 इंची करीब स्लैब पड़ी हुई है, उसके बाद ये पत्थर लगा रखा है इन्होंने। तो मैंने इस स्लैब को दोस्तों ये स्लैब को यहाँ ऐसा करके ये बॉक्स बना दिए हैं, आगे 4 ड्रॉर लगा दिए हैं और जो ड्रॉर जो रेसा भी आप देख रहे हैं बिल्कुल बराबर एक जैसा रेसा लगा दिया है। इसके अलावा मैं जो है एक ये चीज़ दिखाना चाहता हूँ आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये कोना दोस्तों हमने खुद ही लकड़ी का प्लाईवुड का बनाया है, यहाँ पे बड़ी दिक्कत थी, हमने इसको तैयार कर दिया था। ये जो हिस्सा देख रहे हैं आप नीचे, ये इस जो हिस्से में कम से कम 2.5 इंची से 3 इंची का फर्क है, तो यहाँ बड़ी दिक्कत आ रही थी पल्ला चलाने में। तब मैंने ये जो है कोना, दोनों कोनों तो वो तैयार किया अपने हिसाब से। तो तैयार करने के बाद ये वैसे आर पार रहेगा, दोनों तरफ से निकाल सकते हैं, और सिलेंडर का जो एरिया वो दोस्तों यहाँ पर रखा गया है। तो इसके अलावा ये देखिए सिंक नीचे लगी हुई है, उधर लास्ट में एक कोना था, ये दोस्तों क्या हुआ था, ये सब टूटा पड़ा था यहाँ पे और ये पत्थर भी नहीं लगे हुए थे दोनों, इनको मैंने आके लगवाया है और इन्होंने कहा था कि ऐसे ही करके एडजस्ट कर लो, लेकिन एडजस्ट ऐसे होता नहीं है, कोई काम होता तरीके से होता है। तो मैंने दोस्तों ये पत्थर और ये पत्थर मैंने खुद यहाँ आके लगवाए हैं। तो ये दोनों पत्थर लगने के बाद अभी दोस्तों मैं आपको ये किचन का पूरा फाइनल अभी पल्ले वल्ले लगा के कंप्लीट दिखाने वाला हूँ। बस आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर देना दोस्तों। साथियों हमारी किचन पूरी तरह कंप्लीट हो चुकी है, तो आप ये देख लीजिए यहाँ से स्टार्ट किया है हमने, चैनल जी हैंडल जो होते हैं वो लगा दिए। ये देखिए पूरा व्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ, काफ़ी सुंदर, और आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो को शेयर कर देना। और ये देखिए पूरा किचन वुडन कलर की माइका लगी हुई है और जी हैंडल्स लगा के कंप्लीट कर दिया है मैंने, पूरा एकदम लास्ट तक पूरी तरह से तैयार है। दोस्तों मेरा जो वर्क था वो नीचे का वर्क था जो मैंने अभी दिखाया आपको, ऊपर का जो वर्क है वो किसी दूसरे कारीगर का वर्क है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा दोस्तों, मैंने जो काम किया उसके लिए प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना आपको कैसा लगा मेरा किया हुआ काम। और आपसे स्पेशल ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर देना दोस्तों, और लाइक भी कर दिया करो वीडियो को तुरंत देखने के बाद, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जो रेड बटन है वो कर लिया करो। और मिलते हैं दोस्तों आपको ऐसी ही अगली कोई नेक्स्ट वीडियो में, अच्छी वीडियो में। तो नमस्कार दोस्तों, गुड बाय दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।